तो गाइज मैं रॉयल इनफील्ड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि यार मेरे को भी बड़ा मन था बुलेट लेने का कि बुलेट लूँगा, बढ़िया चलाऊंगा, मज़ा आएगा। लेकिन यार जब से मैंने इसको ले लिया है तब से इसको चलाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यार कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा खराब लगी हुई हैं। इससे ज़्यादा तो मैं स्प्लेंडर चलाना प्रेफर करता हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं स्प्लेंडर लेके घूमता हूँ, इसको नहीं चलाता हूँ इसी वजह से। क्योंकि यार सबसे पहली बात तो हम अगर बात करें तो इसका मॉडल, यार ये मॉडल कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो पुराना मॉडल था अब उन लोगों ने पुराना मॉडल बनाना बंद कर दिया है, नए नए लॉन्च कर रहे, पुराना डिस्कंटिन्यू कर दिया, ये बड़ी गलती कर दी। पुराना रखना चाहिए था, अगर नया बनाते हैं जिसको नया पसंद है नया ले, जिसको पुराना पसंद है पुराना ले। लेकिन यार जैसे मेरा बताया तो मेरे को जो ओल्ड वाला लुक था वो ज़्यादा अच्छा लगता था, बाकी सारे मॉडल्स में मेरे को ये थोड़ा सा सही लगी थी तो मैंने ले लिया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इससे भी बोर हो चुका। दूसरा ये रीज़न है कि यार भाई इसका साइलेंसर, अब जैसे कि पुरानी वाली गाड़ी में ये होता था कि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा दे देते थे, अभी इसमें बहुत ही कम आवाज़ कर दी गई है। मैं आप लोगों को एक बार चला के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है आवाज़। नया अगर साइलेंसर आप लोग बाहर से डलवाते हो तो उसकी आवाज़ आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अब आवाज़ के बिना देखो भाई बुलेट चलाने का कोई मज़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको आवाज़ चाहिए बढ़िया तो बाहर से डलवाना पड़ेगा, और बाहर से अगर डलवाओगे तो 10-15 हज़ार का चलान लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी वजह से मेरे को इसका साइलेंसर की प्रॉब्लम बड़ी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ऐसी कुछ आवाज़ आती है इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, देखो सुनाई पड़ रही होगी आपको। अगली प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो गाइज जब भी मैं इसको ज़्यादा मतलब 1 घंटे लगातार चला लेता हूं, और 1 घंटा कुछ मायने नहीं रखता है, मतलब थोड़ा सा दूर चला लेता हूं ऐसे 10-15 किलोमीटर भी अगर चलाता हूं, तो इसका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता है। नो डाउट इंजन भारी है तो हीट तो करेगा ही, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है इंजन हीट करने की। उसके साथ साथ एक स्मेल आती है बहुत गंदी सी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्यूब या फिर ऐसे कुछ रबर टाइप का जलने लग रहा है, तो उसकी स्मेल आती है, जो चला रहा होता है उसके पास तक उसकी स्मेल आती है, काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है वो स्मेल, और वो हमेशा आती आती है, ऐसा लगता है जैसे काफी ज्यादा दूर तक चला लिया। अगर इसको 50-60 किलोमीटर भी लगातार चला लो ना तो उसमें भी साला स्मेल आने लगती, तो ये काफी गंदी चीज मेरे को लगती है। ऊपर से जब भी आप हाई स्पीड में चल रहे होगे तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, वाइब्रेशन हटा दिए गाड़ी में, देखो नो डाउट इस गाड़ी में, इस क्या रॉयल एनफील्ड के सारी गाड़ियों में अब वाइब्रेशन ना के बराबर कर दिए रॉयल एनफील्ड ने। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जब भी आप इसको हाई स्पीड में चला रहे होगे, 100 तक की लेके जाओगे, इवन 80 को भी लेके जाओगे, तो ये जो मिरर होते हैं वो वाइब्रेट तो करने लगते हैं, लेकिन उसका फर्क इतना पड़ता है कि भाई पीछे से जो कुछ भी चल रहा होता है वो कुछ अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इनविजिबल टाइप की हो जाती है चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसके साथ में। अगली प्रॉब्लम मुझे इसके साथ ये फेस करनी पड़ रही है कि यार जब भी मैं हाई स्पीड में चल रहा होता हूँ उसके बाद अचानक से मेरे को ब्रेक लगाना पड़ता है, तो इसके जो ब्रेक पैड है यहाँ से कुछ आवाज़ आती है, पता नहीं क्या इन डिस्क में से आवाज़ आती रहती है कि जब भी अचानक से ब्रेक लगाओ तो एक कर्र से ऐसी कुछ आवाज़ आती है इसमें से। और ऐसा नहीं कि ये शायद इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मैंने इसको चेक भी काफ़ी बार कराया हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब सारी जितनी नई गाड़ियाँ आई हुई है मैंने उनके साथ सबके साथ ऐसा फेस किया हुआ है और सबके रिव्यूज़ देखे हुए, सब लोग ऐसा ही बताते हैं, तो स्पेशली ये प्रॉब्लम आगे के साथ में नहीं आती है, पीछे के साथ में आती है ज़्यादातर। तो पता नहीं वो किस वजह से हो सकता है, मे बी ये शायद गंदा हो जाने की वजह से हो जा रहा होगा, या फिर शायद ऑयलिंग की जरूरत होगी, लेकिन अब ऑयलिंग तो मैंने बार बार चेक कराई हुई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगली अगर प्रॉब्लम की बात करूँ जो कि मुझे इसके साथ फेस करनी पड़ी, तो भाई वो ये है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ की है कि यार इन्होंने फ्यूल मीटर दे दिया है अपना, आप लोग इसमें देख सकते हो, ट्रिप वगैरह भी दे दिया, अभी इधर बटन लगा होता है कि ये रहा बटन, इसको प्रेस करके अपना ट्रिप भी सेट कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि भाई इसमें जो आपको फ्यूल दिख रहा है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी ये जब खड़ी है, देखो अब ये अगर खड़ी है तो पेट्रोल जो है सारा इस साइड आ चुका है, अब इस साइड आ चुका है तो इसके अंदर फ्यूल के लिए एक मीटर पड़ा होता है, वो भी इसी साइड बेंड हो गया है, तो उसमें ऐसा रीडिंग दिखा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें 3 दिखा रहा है। हालांकि इसमें 2 के बराबर का पेट्रोल तो पड़ा ही हुआ है, बट फिर भी कभी कभार आप लोग लंबे से जाओगे कभी तो इसके चक्कर में आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो मेरे हिसाब से वो सही है। बाकी ये कुछ दिक्कतें हैं जो मुझे इसके साथ में झेलनी पड़ रही हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये गाड़ी बेस्ट है एकदम, मज़ा आता है, फील आता है, कम्फर्ट है। एक प्रॉब्लम है जो कम्फर्ट आ गया तो भाई मैं बता दे रहा हूँ, वो ये है कि मे बी स्पेशली मेरे साथ हो रहा है या फिर शायद सबके साथ होता होगा, जब इसको लॉन्ग ड्राइव पर मैं चला रहा होता हूँ तो इस तरीके से पकड़ के चलाता हूँ, तो क्या होता है कि मेरे हाथ की जो कलाई होती है वो कलाई थोड़ी सी पेन करने लगती है, थोड़ा सा दूर चलाने के बाद, लगभग मैं 1 घंटा लगातार चलाता हूँ ना तो मेरी जो कलाई होती है वो थोड़ी सी पेन करने लगती है। पता नहीं इसकी हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर जिस एंगल पे दे रखी है इसकी हैंडलिंग वो थोड़ा सा दिक्कत कर रही हो, तो मुझे ये समझ नहीं आया, शायद मेरे साथ भी हो रहा, अगर आपके साथ होता हो कमेंट करके बता देना। बाकी गाड़ी में कोई और खास दिक्कत नहीं है, जितनी दिक्कतें बताई हैं बस इतनी है, काफ़ी ज़्यादा बता डाली वैसे तो मैंने, लेकिन इतनी है।
बाकी गाड़ी भाई बहुत अच्छी बनाई हुई है, इसमें मॉडिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने कराया नहीं है। बस साइलेंसर वाली दिक्कत जो है, अब पता नहीं कंपनी क्यों नहीं बढ़ा रही है आवाज़, लेकिन हाँ अगर बढ़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ देखनी है आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।